गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीसी जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, यू नो बुक कहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, जो भी बुक है उसमें क्या स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, क्या किस लेवल है या क्या किस बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम थर्ड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। MCA 012, इसमें डेटा फाइल स्ट्रक्चर्स का है जिसमें आप लोग को एरे पॉइंटर इसको डीपली एक चैप्टर वाइज यूनिट वाइज में पढ़ाएगा। ये बुक में बताएगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। ये थोड़ा सा हार्ड होगा आप लोग के लिए और ये MCA 023 भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट स्टिल सारे ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज मैंने कवर कराने हैं सारे सब्जेक्ट के, तो उसके लिए चिंता ना करें। एंड इसमें इंट्रोडक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट करना सिखाया जाएगा। इसके 1 और 2 ब्लॉक इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया, कुछ मैथ से रिलेटेड इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए ऐसा कुछ है ऑपरेशंस वगैरह, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट सेकेंड सेमेस्टर के ही इक्वल है। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हमने मैथ पढ़ा था ना, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, सेम एज इट इज़ इसमें भी थोड़े बहुत उसी के मैथ्स हैं। एंड ये MCA 014 बहुत ही ईजी होने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ECO 01, सेकेंड में ECO 02 पढ़ा, सेम एज इट इज़ यही है वो चीज़। थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये, जिस जैसे 21 और 23 हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसी तरीके से ये दोनों जो सब्जेक्ट हमारा MCA 014 और BCS 031, ये दोनों ईजी हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग इन C++ BCS 031 में हमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड के बारे में पढ़ना है। C++ को भी बहुत से पार्ट में डिवाइडेड करा गया है, 6 या 7 है C++ उसके डिवाइडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यू नो ऐसे कुछ कुछ हैं। तो इस सेमेस्टर में हम लोग को डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। BCS 031 में ये ईजी हो जाता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में 2-3-4 ही पूछे जाते हैं, जो बाकी सारे डेफिनेशंस होते हैं। एंड MCA 014 में भी वही है। एंड MCA 021 और 023 में थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था सी, तो सेम है डेटा फाइल स्ट्रक्चर्स में वही होते हैं क्योंकि एरे पॉइंटर और जैसे जितने भी सारे हमारे सी के फंक्शंस थे, फंक्शंस वगैरह सारे को अलग अलग चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज उसको कवर कराया गया है। एंड बाकी ये तीनों लैब है, लैब बहुत इजी ज़्यादा इजी है, तो मैंने तो लैब अभी कंप्लीट कर लिया था C++ का, तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहा मेरे लिए। तो और बाकी है BCSL 033 डेटा फाइल लैब के लिए है, एंड BCSL 034 DBMS लैब है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ओके, तो ये था हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। एंड हम स्टार्ट करेंगे ये सिलेबस भी सारे ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइल्स, सॉल्व, असाइनमेंट्स सारे को सारे सॉल्व करे हुए मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें ले मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।